बड़ा भूस्खलन, मलबे में बस समेत कई गाड़ियां दबी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी थी, मेडल विजेता खिलाड़ी भी होंगे शामिल। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का खाका तैयार, उत्तर प्रदेश से लेकर 22 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उत्पादकता वाला रहा वर्तमान सत्र, 96 में से 75 घंटे नहीं हो सका कामकाज। महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस का मध्य प्रदेश में दिखा प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखनऊ में लोकतांत्रिक साझा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायाराम वर्मा के नेतृत्व में महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2022 के चुनाव को लेकर मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायाराम ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में लोकतांत्रिक साझा पार्टी चुनाव में बड़ी भागीदारी करेगी। बताया जा रहा है कि एसएम कटियार को संरक्षक बनाया गया है, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी संजय कुमार श्रीवास को दी गई है। हम इंटरमीडिएट के पास करने के बाद झांसी में छात्र राजनीति की, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया, वहां लोकतांत्रिक सोच और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने सीखी। इसके बाद कुछ दिन हम बहुजन समाज पार्टी में रहे, लेकिन वहाँ का परिवारवाद और व्यक्तिवाद देख करके हमें तकलीफ हुई। तब 7 फरवरी 2016 को हम लोगों ने लोकतांत्रिक साझा सामाजिक संगठन तैयार किया। पहली बैठक अंबेडकर महासभा लखनऊ में हुई। इसके बाद लगातार पूरे देश में ये बैठकें चलती रही। गरीबों का हित सर्वोपरि रखेगी और विधायकों की निधि, सांसद की निधि और पेंशन हम बंद करके ये पैसा गरीबों के हित कल्याण के लिए उपलब्ध कराएंगे। जैसे किसानों की बिजली, घरेलू बिजली माफ़ कर दी जाएगी और डीजल पर वैट खत्म कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को 40 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर। वहीं औरैया के अरवा कटरा सीएससी और जिला अस्पताल में कन्या जन्म उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की योजना मिशन शक्ति को लेकर सीएचसी अरवा कटरा में 3 कन्याओं का जन्म हुआ, जिससे उत्साहित होकर सीएचसी अरवा कटरा के अधीक्षक डॉक्टर मोहित कुमार की देखरेख में कन्या जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें बच्ची की माँ बच्चे को लेकर उन्होंने केक काटा और हैप्पी बेबी किट को भी वितरित किया गया। इसके साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों को मेल और फीमेल की जो भ्रांतियां उनमें पैदा हो गई हैं, उसे दूर किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी इसी के साथ तेजी के साथ चलना चाहिए। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति के अंतर्गत था। इसमें जो भी कन्या जन्मोत्सव आज हमारे यहाँ मनाया गया, जिसमें कि हैप्पी बेबी किट जो हिमालय कंपनी की है वो हमने सभी लोगों को वितरित की है, जो कि नवजात बच्चे जिनकी देखरेख करते हुए जो उनको नहलाने नहलाने के लिए सारी चीज़ें हाइजीनिक तरीके से उसमें दे रखी हैं, वो चीज़ें यूज करनी है। वही स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों को देखते हुए अलर्ट होकर पुलिस महकमा सक्रिय हो चुका है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने नगर क्षेत्र के शहर कोतवाली से मार्च निकाला। इस दौरान नगर के कई प्रतिष्ठानों व वाहनों से चल रहे लोगों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के बैंकों, मालों और सराफा की कई दुकानों का निरीक्षण कर चेकिंग की गई। बैंकों में बिना मास्क के कई उपभोक्ता दिखाई दिए, जिन्हें मास्क पहनने के लिए कहा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस व आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के 72 घंटे पहले पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे सभी सार्वजनिक स्थानों, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबों पर सघन चेकिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी संदिग्ध जिले में न प्रवेश कर सके। आकस्मिक रूप से पहले बैंकों की चेकिंग की गई, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स की चेकिंग की गई, बाहर खड़े वाहनों की चेकिंग की गई और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनका पूरा फोर्स इस चेकिंग में मेरे साथ रहा।
बहुत से बैंकों में कुछ सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, विशेषकर जो आउटर वाले सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्राइम के दृष्टिकोण से, वो नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें ठीक कर। आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज के अंतर्गत ग्राम गौधारा में चुनाव की मतगणना के दौरान विवाद के बाद आरोपियों का बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ग्रामीणों पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गांव में घुसकर दलितों के घरों, छप्परों व सरकारी हैंडपंपों के साथ तोड़फोड़ की है, साथ ही घर में रखी अलमारियों को तोड़फोड़ कर गहने व पैसे भी उठा ले गए हैं। महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की गई, इसके साथ ही ग्रामीणों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। कई दिनों से पुलिस बराबर गांव में आकर लोगों को डरा धमका रही है, जिसको लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल के ने एसपी से मुलाकात कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पूरे जनपद में पिछड़ों दलितों के साथ पुलिस अन्याय कर रही है, उनके घरों में घुस करके छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के उनके घरों में घुस करके तोड़ फोड़, दरवाजे तोड़ना, घर गिराना, छप्पर तोड़ना, अलमारी तोड़ करके पैसे ले जाना, गहने उठा ले जाना, यह इस तरह का जो अपराध हो रहा है ये पूरे जनपद में हो रहा है, उसका हम लोगों ने एसपी को बताया कि घटनाएं जो हो रही हैं ये गलत हो रहा है और अगर इस पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इस प्रकरण को लेकर के थानों का घेराव करेगी। वहीं फतेहपुर जिले के जाफरगंज में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन न लगने की वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लाइनें लग जाती हैं। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों का आरोप है कि कई कई घंटे खड़े रहने के बाद भी जब नंबर आता है तो पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही कर्मचारी वैक्सीनेशन में लापरवाही भी बरतते नजर आ रहे हैं। सुबह से हम लाइन लगाए बताए यहाँ 8 बजे से खड़े हैं और कह रहे हैं भैया गिगिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, बुखार चढ़ी, सुबह से आ रहे हैं छोड़ के घर में अकेले, इन लोगों को तरस नहीं आती है और औरतन के ऊपर, और वैक्सीन रखी रखा ही कह रहे हैं हम ना लगाएंगे, जाओ भीड़ करती हो लाइन में लगी है, सब औरतें आगे जा रही हैं, तो हम क्या करें, वहाँ पीछे खड़े खड़े सच्चाई में, और बताए इतनी समय हो गया, जबरदस्ती यही होते, लड़ते झगड़ते तो हो जाता काम। अरे यहाँ। वही जनपद हमीरपुर में एक दुकान में रखे सिलेंडर में भीषण आग लग गई। ये पूरा मामला राठ कस्बा के 12 खंबा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर एक मिठाई की दुकान में अचानक रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते वहां पर लोगों के बीच भगदड़ शुरू हो गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगजनी से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। यूपी के संभल में स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का शर्मसार कर देने वाला चेहरा सामने आया है, जहां कर्मचारी अपने ही विभाग की आशा बहू से अभद्रता करते हैं। आशा बहू ने पर्चा बनाने वाले कर्मचारी पर अभद्रता करने व गाली देने का आरोप लगाया है। बता दें कि आशा बहुओं की स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने आई आशा बहू की अचानक तबीयत खराब हो गई। आशा बहू जब दवा लेने के लिए पर्चा बनवाने के लिए कंपाउंडर के पास पहुंची तो वहां पर मौजूद बाबू ने किसी बात को लेकर अभद्रता करना शुरू कर दिया। पैसे वो पैसे खोले नहीं थे, चक्कर में कुछ कह दिया होगा, इतनी बात नहीं, फीवर आ रहा था, बीमार थी पहले से ही, थोड़ा घबराहट हो गई, गर्मी है इसलिए थोड़ा फैंटिंग हो गया, दे दिया ट्रीटमेंट, पूछे कर्मचारी से बुला के पूछते क्या बात है। वहीं सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 20 मोबाइल और चोरी का 5,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके दो साथी मौके से फरार होने में सफल हो गए। दरअसल सुल्तानपुर शहर में बीते कई दिनों से चोरी की कई वारदातों ने सुल्तानपुर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, जिसको लेकर एसपी ने साइबर सेल और पुलिस की टीम गठित कर गिरोह की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जालौन में महिलाओं की समस्याओं को लेकर गुलाबी गिरोह सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है।
सैकड़ों महिलाओं ने गुलाबी गिरोह सेरा की महिला कमांडर अंजू शर्मा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। गुलाबी गिरोह सेना के कमांडर अंजू शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन उन्होंने उप जिलाधिकारी मीनू राणा को सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि समाजवादी सरकार में चालू की गई महिलाओं की पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही गड़बड़ी की न्यायिक जांच कराकर पात्रों को आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ये हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम से जी। और हम लोगों की समस्याएं हैं प्रधानमंत्री आवास की जी। ये 3 साल से फार्म पड़े हुए हैं जी। और डूडा विभाग में जाते हैं तो वे कहते हैं नगर पालिका में पड़े हैं, कोई कहते हैं डीएम साहब के पास हैं, कोई कहते हैं जांच नहीं हुई है, कोई कहते हैं कुछ। इस तरह से हम लोगों को भटका रहे हैं। तो हमने ये मांग रखी है कि इसकी सही जाँच हो, जो पात्र है, जो वास्तविक गरीब है उसको। कानपुर देहात में बाढ़ के हालात देखते हुए जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। सीएमओ ने बाढ़ से घिरे गांवों में पहुंचकर लोगों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप लगवाकर लोगों को दवाइयां बांटी। बता दें कि कानपुर देहात में यमुना में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों गाँवों को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत से गाँव बाढ़ से घिर चुके हैं और कई परिवारों के आशियाने भी इस वक्त छिन चुके हैं और घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में सीएमओ ने मूसानगर क्षेत्र के एक बाढ़ पीड़ित कई गांवों का भ्रमण किया और लोगों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। देखिए, ये क्योटरा गांव है जिस पर हम लोग, हमारी पूरी टीम, हमारे साथ एडिशनल सीएमओ हैं डॉक्टर के वर्मा, डॉक्टर आदित्य सचान एमआईसी हैं, उनकी पूरी टीम है। हम लोग आके क्योटरा गाँव में नाव से आए हैं। मुख्य संपर्क जो मार्ग है उससे काफी दूर है, यहाँ पर करीब आधा पौन घंटा लग गया हम लोग आने में नाव से। तो पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, गांव में कोई गंभीर रूप से पीड़ित नहीं मिला, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं मिली यहाँ से। और जो लोग सामान्य सर्दी जुकाम सरदर्द या पेट दर्द से जो लोग, वही कानपुर जिले के बर्रा थाना इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत बजरंग दल कार्यकर्ताओं से की, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और मुस्लिम परिवार की पिटाई कर दी। वहीं इस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही और बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिम परिवार को पीटते रहे। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुस्लिम परिवार उसे 20,000 रुपए का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ, हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे, कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते, कहीं बिटियन कहीं चट घसीटन कर रहे थे। लोग कहते रहने नहीं देंगे, जान तो मार देंगे, कमाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, कहाँ लगे हम घर पे घुसे। हमारे एक हिंदू परिवार की बहनें हैं जिनको जो है क्षेत्र के कुछ मुस्लिम अनावश्यक प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और छेड़खानी करके उनको जो है काफ़ी जो परेशान करते थे। इसके लिए थाना बर्रा में तहरीर दी गई थी जिस पे पहले प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और संगठन के दबाव में आकर प्रशासन ने बर्रा थाने ने 354 पे मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। और वो प्रतिदिन इन महिलाओं को, बहनों के हमारे, और अनावश्यक परेशान करते हैं, लाइटिंग खिलाते और धन परिवर्तन कराने का दबाव दे। राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में दूषित पानी पीने से 2 बच्चों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह बालू अड्डे पहुंचे और वहां के लोगों से मुलाकात की। बीमार मरीजों के परिजनों से उन्होंने बातचीत की और आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और जिस तरह से नगर निगम और जल निगम की लापरवाही से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है और दर्जनों से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, हम सरकार से आवाज उठाएंगे और इनको न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग करेंगे। बता दें कि लगातार बालू अड्डे इलाके में उल्टी और दस्त की शिकायत से मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कुछ मरीजों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। 3 दिन से अधिकारियों का यहां पर आना जाना लगा हुआ है, पर यहां के निवासियों का कहना है कि अभी तक कोई भी राहत यहां के निवासियों को नहीं मिली है, जिससे लोग आज आक्रोशित होकर बीच सड़क पर बैठकर सरकार व जल निगम, नगर निगम के तमाम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए।
और धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक मृतक मासूम बच्चों के परिजनों को सरकार मुआवजा नहीं देती तब तक हम इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें हजरतगंज के पास में बालू अड्डे पे जहाँ पे गंदा पानी पीने के कारण जो है लगभग 80 लोगों से ज्यादा लोगों बीमार पड़ गए, लगभग 2 बच्चों की मौत हो गई। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी के MLC जो हैं दीपक सिंह जी हैं। दीपक जी, जिस तरीके से ये घटना घटी है इसमें सरकार की काफी ज्यादा लापरवाही देखने में, क्या जिन बच्चों की मौत हुई है उनके लिए और जो बच्चे आज हॉस्पिटल में हैं उनके लिए सीधे सीधे नगर निगम, इनकी सरकार जिम्मेदार है। ये लोग टैक्स देते हैं, टैक्स स्वच्छ पानी पीने के लिए देते हैं। हमारा संविधान भी कहता है स्वच्छता उनका अधिकार है। टैक्स देने के बाद भी इनके साथ अन्याय हुआ, इनको मौत के तरफ भेजा गया। इन लोगों ने लिखित रूप से, मौखिक रूप से सोशल प्लेटफॉर्म पे यहाँ की शिकायतें की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इन लोगों ने आंदोलन किया, मीडिया के लोग आए, तब यहाँ पर अधिकारी, यहाँ पे जिम्मेदार लोग पहुंचे। तो आप आज देख सकते हैं आज सफाई हो रही यहाँ पर, आज यहाँ नगर निगम के लोग आए हैं, अभी भी गंदगी का ढेर, प्रमाण देता है कि लोग कैसे जीने के लिए मजबूर थे। जब इन लोगों ने कहा जो पानी हम आज गंदगी पानी के बाद स्वच्छ पानी के नाम पर जो पानी भेजा गया, इन लोगों ने कहा अधिकारियों से, यहाँ के लोग जिम्मेदार लोगों से कि आप पानी पीजिएगा स्वच्छ है, तो यहाँ के लोग भाग गए। क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ लोग टैक्स इसलिए देते हैं, ये शहरी नहीं है, ये जिम्मेदार, इनको वातावरण रहने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी दंड की भागीदार जिन लोग जिम्मेदार थे उन पे अगर कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता, जो लोग बीमारी में हैं उनको अगर सहायता नहीं मिलती, यहाँ पर सुविधाएं बहाल नहीं की जाती, इस मामले को 17 तक का अल्टीमेटम, उसके बाद सदन में उठाऊंगा, सदन से नकार नहीं होगा, सड़क पर उतरकर इनके लिए संघर्ष करूंगा। ठीक, ये हमारे साथ में MLC कांग्रेस पार्टी के MLC जो थे दीपक सिंह जी, इनका कहना है कि इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जो बड़ा हादसा हुआ ये कहीं ना कहीं नगर निगम और सरकार की लापरवाही देखने से हुआ। अब सरकार जिस तरीके से जो 2 बच्चे मासूम की मौत हो गई है उनका मुआवजा किस तरीके से देती है ये देखने की बात हो। देखिए, 5 चीजों के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। सबसे पहला, बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डायरेक्टर सिविल अस्पताल से भी बातचीत की गई है, वहां भी देखा गया। साथ ही साथ PHC इंचार्ज को यहाँ पे अलग से लगाया गया है। 5 आशा बहुओं को सर्विलांस एक्टिविटी पे प्रतिदिन लगाया जा रहा है, जिसमें हर एक आशा बहु के द्वारा प्रत्येक परिवार से प्रतिदिन सर्विलांस की एक्टिविटी वार्ता भी की जाएगी। ORS के बोल, ORS के पैकेट्स, जो क्लोरीन के टैबलेट्स हैं इसके पैकेट, साथ ही साथ जिंक और विटामिन सी, इनके प्रोफाइलेक्टिक जो दवाइयां हैं इनको अनिवार्य रूप से दिया जा रहा है। डूज एंड डोंट्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को पैम्फलेट्स भी हम लोग देंगे कि व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन हाइजीन का किस प्रकार से ख्याल रखें, नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोना, साथ ही साथ जो पानी की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ, जहां चमोली जिले के टंगसा गांव में चिपको आंदोलन के नेता स्वर्गीय चक्रधर तिवारी के नाम पर स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने इस स्मृति उपवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने ग्रामीणों के पर्यावरण के प्रति उत्साह और जागरूकता की सराहना की। हरेला की समाप्ति पर जो गांव वन पंचायत टंगसा में जो चक्रधर प्रसाद तिवारी जी जो जिस गांव में चिपको आंदोलन से जुड़े हुए, आज यहां पर गांव वासियों के ऑडियो फोन आंदा के इनविटेशन पर आज यहां आना हमारा हुआ, और काफ़ी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक जो गांव रहा है चिपको आंदोलन के माध्यम से और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी अनुभव में मिला कि किस तरह का यहाँ पर लोगों का जज्बा है, और इसी को ही प्रेरणा मान जो है हम उसको आगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में हम उसको अप्लाई करने का प्रयास करें। पिछले साल भी हरेला का कार्यक्रम माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट के समय में आयोजित कराया था, तो उन्होंने कहा था साहब यहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए, स्मृति वन बनना चाहिए, तो सरकार ने फिर 10 हेक्टेयर इस साल स्मृति वन के लिए यहाँ पैसा दिया और वो 10 हेक्टेयर
काफ़ी अच्छे पौधे लगाए गए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्योंकि हरेला पर्व भी अब समापन की ओर है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है अलकंदा वन प्रभाग की ओर से किया गया और जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय और कई आपके पदाधिकारी जिले के, उन्होंने इसमें सहयोग दिया है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है जो पब्लिक में और जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हम लोगों का स्वागत किया गया तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जनता कितनी जागरूक है एनवायरनमेंट के प्रति और आज की जो हमारी अगली पीढ़ी है वो बच्चे इसमें कितने बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं पौधरोपण में। ओलंपिक हॉकी हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया का देहरादून एयरपोर्ट से उनके हरिद्वार आवास तक विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। हैट्रिक गर्ल के स्वागत समारोह के लिए हरिद्वार स्पोर्ट्स स्टेडियम को सजाया गया जहां जिलाधिकारी और एसएसपी के अलावा राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने वंदना कटारिया का स्वागत किया। आपको बता दें कि टोक्यो हॉकी ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली वंदना कटारिया आज भारतीय महिला हॉकी टीम की पहचान बन चुकी है। तो आज टोक्यो ओलंपिक की हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया अपने घर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि उनके घर तक उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिस प्रकार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विभिन्न मंचों पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि हैट्रिक गर्ल के स्वागत के लिए जिलाधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारी और राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे जहां पर वंदना कटारिया का स्वागत किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सभी जो मेरे इतने आके मतलब मेरा वेलकम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर डीएम साहब हैं, एसपी सर हैं, तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और इस गांव से रोशनाबाद से जितने भी लोग मेरे को लेकर आए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनका सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वंदना बिटिया ने इसी स्टेडियम से अपना प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ की थी और उस समय मैंने स्वयं उसको प्रोत्साहित किया था। कृष्ण कुमार यहाँ पर जिला क्रीड़ा अधिकारी थे और आज वो देश और दुनिया की बुलंदियों के ऊपर हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरी अभी एयरपोर्ट से उतरते ही उनसे बातचीत हुई है और मैंने बिटिया से आग्रह किया है कि कल या परसों में ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में उनका बड़ा अभिनंदन करना चाहते हैं, तो समय के अनुसार आज उनसे वार्ता हो जाएगी। वो राजवीर और सतपाल जी उनके साथ हैं, मेरी बिटिया से अभी बात कराइए, तो हम चाहेंगे कि उनका अभिनंदन। लक्सर के खानपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सेवा की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसकी वजह से लोगों को आपातकालीन सेवाएं नहीं मिल पाती थी। शाम होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटक जाता था, ऐसे में अगर किसी मरीज को इमरजेंसी में इलाज की जरूरत हो तो कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर 54 गाँव के करीब 62,000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। परंतु कुछ विशेषज्ञों की अभी भी यहाँ पे कमी है जिसके लिए उच्च स्तर पर इसके लिए संज्ञान में लाया गया है, तो इसकी कोशिश की जा रही है यहाँ पे कोई विशेषज्ञ सर्जन और फिजिशियन भी आ जाए। रात्रि में डिलीवरी की सुविधा तो हो पा रही है परंतु इमरजेंसी हेतु हमारे पास अभी फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्स की कमी है जिसको उच्च अधिकारी संज्ञान में लाया गया है एवं उनसे वार्ता भी की गई है इस विषय में। तो सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने नंदा देवी मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें जानकारी दी गई। डीएम ने मेला आयोजन समिति से कहा है कि अभी मेला आयोजन में काफी समय है, इसलिए मेले की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा और तैयारियां उस पर कोविड के हालातों को देखते हुए तय करनी जरूरी है। तो डिस्कशन हमारा इनके साथ हुआ है, देखिए हमें सारी आस्था को भी अपना सबको देखना है लेकिन साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल का भी उसका भी हमें अनुपालन करना है, तो हमने उनको यही एश्योर किया कि अभी उस हिसाब से तैयारी करें जैसा उन्होंने लास्ट ईयर पूजा अर्चना करते समय की थी। अगर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जब हमारी एक और मीटिंग उनके साथ होगी उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई हेतु और जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से और जैसे भी डायरेक्शंस हमें जारी होते हैं उसी हिसाब से हम राम सेवक सभा को निर्देशित करेंगे कि वो किस हिसाब से उनको।
नरेंद्र नगर इलाके के तोता घाटी में एक बार फिर से भारी चट्टान सड़क पर गिरने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। पहाड़ी से चट्टान सड़क पर गिरने और यातायात अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं रास्ते का मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। करीब 30 घंटे बीत जाने के बाद भी जेसीबी से रास्ते का मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो देट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक दो हफ्ते पहले भी वहाँ पर दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग थे उनको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। सर कब तक खुलने की उम्मीद है रास्ते? आज शाम तक। ऋषिकेश में ई रिक्शा चालक और ऑटो विक्रम चालकों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि उपजिलाधिकारी के पास भी ये पूरा मामला पहुंच चुका है। दरअसल ई रिक्शा एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों चालक जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी के पास पहुंचे। ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि ऑटो विक्रम चालक उनको सड़क पर चलने नहीं देते हैं, जिसकी शिकायत लिखित में भी उपजिलाधिकारी को सौंपी गई है। इनके रास्ते को लेकर के जो ई रिक्शा से उनके संचालन से संबंधित और कुछ दिन पहले जो टैक्सी यूनियन और जो विक्रम का यूनियन है उनसे भी हमारी बैठक हुई थी, तो दोनों में समन्वय बनाने की बात रखी गई है। और पर्सनल अगर किसी का इशू है तो सीओ साहब के लिए हमने डायरेक्ट भी कर दिया है, जिससे कि उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वो देख लें और आवश्यक कार्रवाई जो उनके स्तर से आवश्यक होगी उसको वो देखेंगे। और बाकी ई रिक्शा यूनियन से भी हमारी बात हुई है, जिससे कि वो लोग भी जो हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर जो हमारे रूल्स हैं उनको वो फॉलो करें। IDM मैडम के माध्यम से हमने मैडम को ज्ञापन दिया कि इनका मामले को सॉर्ट आउट करा जाए, क्योंकि अगर झगड़ा बढ़ेगा तो बहुत सबको ही नुकसान होगा। दूसरा टेम्पो वालों का बोलना है कि ई रिक्शा वाले जो है रोड पे ना चलें, वो गलियों में चलें, तो ऐसा कोई लीगल प्रावधान नहीं है। और बल्कि सरकार ने तो उल्टा जो ये ई रिक्शा वाले हैं इनको प्रमोट करा जा रहा है कि क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं होता है, और टेम्पो वालों का भी कोई विरोध नहीं है, अगर मिलकर आप काम करते हैं तो। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्मित कराए गए सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। संपूर्ण लागत के भुगतान के बावजूद शौचालय आधे अधूरे पड़े हैं। जिला प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से भी पल्ला झाड़ लिया है। इस वजह से आम लोगों के लिए बने सामुदायिक शौचालय का लाभ लोगों को पहुंचने के लिए से पहले ही दम तोड़ चुका है। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक से, जहां अधिकारियों की सांठगांठ से शौचालय का निर्माण अलग ही तरह से देखने को मिला है, जहां पैसों के चक्कर में जैसे तैसे शौचालय का निर्माण तो करा दिया जाता है लेकिन उसकी हालत पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं विकास खंड एरवा कटरा ग्राम बैतपुर में। यहाँ ये जो शौचालय बना है ये इनको ग्रामवासी को 5 दिन पहले ही यहाँ चाबी दी गई है, और जब इन्होंने खोल के देखा तो इन्होंने फिर इसकी हकीकत सामने जो रूबरू आप कराएंगे तो आप देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ ये लिखा गया है कि शौचालय है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ। आइए यहाँ की स्वच्छता आपको दिखाएंगे कितनी यहाँ पे स्वच्छता है। सरकार चाहे कितने भी योजनाएं क्यों ना ले आए लेकिन वो योजनाएं महज कागज तक ही सीमित दिखाई देती हैं। कभी अगर कागज से हटकर जमीनी स्तर पर पहुंचती भी हैं, तो अधिकारियों की साठगांठ के चलते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये पूरा मामला है औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक का, जहां अधिकारियों की साठगांठ से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। दरअसल यहाँ कुछ दिन पहले ही सरकारी योजना के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया था। जैसे तैसे निर्माण तो पूरा हो गया और चाबी भी ग्रामीणों के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन जब अंदर का नजारा देखा गया तो वाकई में सब हैरान रह गए। शौचालय की दीवार पूरी तरह से चिटक चुकी थी, विकलांग सीट ऊपर से ही लगा दी गई, और तो और मिस्त्री इतने अच्छे थे कि उसका गेट भी अंदर कर दिया गया, सीट बाहर लगा दी गई। इससे गेट बंद नहीं होता, परमानेंट खुला ही रहता है।
उसके बाद जो और सीटें लगी हुई हैं उनकी भी हालत बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। बड़ी बात यह है कि कागजों में ये शौचालय 3 महीने पहले ही चालू कर दिए गए थे, जिससे सफाई कर्मियों की सैलरी को भी निकाला जा रहा है। एरवा कटरा ब्लॉक के क्षेत्र का यही हाल है दोबा ग्राम में घटिया सामग्री से बन रहे पंचायत घर का। इसके बाद तुर्कपुर यासीन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ शौचालय का छज्जा गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। समस्या सर ये है, ये बरसात में ये कूड़ा कूड़ा वगैरह ये करकट सारा कुछ ये पड़ा हुआ है और यहाँ इंटरलॉक वगैरह सारा कुछ बिछ चुकी है और ये जो लैट्रिन जो है सर वो जर्जर की हालत में, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है सर। और ये आसपास कोई सफाई नहीं है और ये टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगे हुए हैं, ये सारी सब टोटी वगैरह सब ये खराब हो रही है। कोई इंटरलॉक नहीं बिछाई गई, ये बरसात में आने वाले मतलब जो लैट्रिन जाएगा उसको बहुत बहुत परेशानी होगी और ये कोई भी सुविधा या कोई भी व्यवस्था की नहीं की गई है। ये कि ये चालू करो, इसमें देखा मैंने तो ये स्थिति बहुत ख़राब इसकी निकली, इसके ना गेट लग रहे और ना इसमें जो है कूड़ा कबाड़ा सब पड़ा हुआ है, पानी नहीं, इसमें समर चालू नहीं है, टंकी में पानी नहीं रुकता, लीक कर रहा है, दीवारें सब चटकी हैं, गेट मेन गेट भी नहीं लग रहा है, सीटें भी नहीं सही सकती। तो देखा आपने आखिर किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सरकारी योजनाओं के नाम पर अब हर तरफ भ्रष्टाचार ही देखने को मिलता है। सरकार कई तरह की योजनाएं तो ले आती है लेकिन अधिकारियों की साठगांठ के चलते ये योजनाएं भ्रष्टाचार की कलम बन जाती है। आए दिन हमें इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आपने देखा यहाँ के लोग कितने परेशान हैं और यहाँ तो एक चीज़ और अभी देखने को मिली है कि यहाँ इंटरलॉकिंग की जो ईंट बिछाई गई है, यहाँ इंटरलॉकिंग की ईंट जबकि अभी तक कोई यहाँ की रास्ता दिए ही नहीं गया है और कागज़ में बता रहे हैं यहाँ के सभी ग्रामवासी कि यहाँ इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। आइए कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर दिखाएँ कहाँ इंटरलॉकिंग यहाँ पर बिछाई गई है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यही, यहाँ ग्रामवासी भी काफ़ी आक्रोशित हैं इसी बात पे। तो इसी के साथ कैमरामैन के साथ अमित शुक्ला और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।